हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। ईस्टर का हॉलीडे चल रहा है और जिसकी वजह से बहुत लोग ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे चले गए हैं और मैं नहीं गया क्योंकि मैं ईद में जाने वाला हूँ लगभग 10 दिन बाद। तो अभी लोग हैं नहीं हॉस्टल में, तो मैंने सोचा आपको मैं हॉस्टल दिखा देता हूँ, अपना हॉस्टल टूर करा देता हूँ, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो उतना प्रॉपर ले नहीं पाऊँगा वीडियो। और उसकी वजह से संडे है और संडे भी है और हैप्पी ईस्टर, और उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा एंट्री पॉइंट है, मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर शटल खेलते हैं। आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एक ही रास्ता है, यहाँ पे एक ही गेट है, बॉयज़ बहुत कम है कंपेयर टू गर्ल्स। सेंट जॉन पॉल हॉस्टल, यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा, यहाँ पर भी बायोमेट्रिक है और यहाँ पर भी फेस। ये मैं हूँ, ये सामने जो बिल्डिंग है यहाँ पर पीजीज और इंटर्न वाले रहते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर। मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ग्राउंड फ्लोर पे मोस्टली जो जूनियर्स आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं वो रहते हैं। सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे जो फोर्थ ईयर में रहते हैं वो आते हैं। और सेकंड फ्लोर पे आप देख सकते हो उस पर थर्ड ईयर वाले रहते हैं और इस पर सेकेंड ईयर वाले रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे ही है सेम। अभी लोग कम हैं, लोग मतलब छुट्टी हुई है तो इस वजह से कोई है नहीं। आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। ग्राउंड फ्लोर फ्रेशर्स के लिए फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर ऐसा ही डिवीज़न हुआ है। फिर यहाँ पर तो आपको मैंने बताया, ये सामने वाली बिल्डिंग में आपको इंटर्नशिप वाले और पीजीज मिलेंगे। ये टीवी एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी, टेबल टेनिस, और कोई अगर मीटिंग हुई तो यहाँ पर भी यहाँ पर ही होती है हॉस्टल की मीटिंग। वॉशिंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉशिंग एरिया है। ये वॉशिंग एरिया है, आप देख सकते हो। यहाँ से रास्ता है ग्राउंड जाने का,
ग्राउंड में आप ग्राउंड भी आपको मैं आज दिखा दूंगा। ये ग्राउंड का रास्ता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं मेस का दो रास्ता है। वहाँ से भी आप आ सकते हो यहाँ तक, नहीं तो फिर आप यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पर खाना रहता है, यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। फैन और लाइट चालू हैं, बंद कर देते हैं। पर पानी पीने का है। देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली खाना रखा जाता है। यहाँ पर क्लास वाइज और ऐसा बैठा जाता है। यहाँ पर प्लेट साफ करने के लिए ग्राउंड फ्लोर के कॉर्नर पे भी वॉशरूम और ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और सेम ऐसा ही आपको सभी फ्लोर पे मिलेगा, इस साइड पे और उस साइड पे। मतलब आपको रूम से अटैच बाथरूम और टॉयलेट ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फ्लोर का बाद में दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपना ग्राउंड। ग्राउंड हमारा बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जिम भी है, अभी जिम शायद क्लोज है, मैं तो देखता हूँ, मैं जिम भी दिखा देता हूँ। जिम एरिया ब्लॉक भी, और ब्लॉक के ब्लॉक भी बॉयज़ का है, टाइमिंग देख सकते हो। छोटा जिम है लेकिन जो भी है ठीक है। मैंने बताया था ना, यहाँ से मेस भी आपको दिख सकते हैं।
यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स होता है, कोई भी अगर स्पोर्ट्स डे रहता है तो यहीं पर सब कुछ होता है। बाकी बास्केटबॉल का ग्राउंड वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग बैठने के लिए है। ये है हमारा ग्राउंड, यहाँ पर कर्नाटका वालों का मैच होता है, हमारा भी लोकल मैच यहाँ पर होता है। ये था हमारे कॉलेज का ग्राउंड, जैसा कि मैंने आपको मैच दिखाया और हॉस्टल के बारे में दिखाया, वॉशिंग एरिया, जिम और ग्राउंड, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया। अभी बास्केटबॉल का मैंने आपको बताया, वो कॉल जो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है, हॉस्टल की एंट्री से लेफ्ट साइड पे ही है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर ही खेली जाती है और काफ़ी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ मेंटेन करके रखा है मैनेजमेंट वालों ने। और बाकी सब ठीक है, मैं आपको बास्केटबॉल का ग्राउंड दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फ्लोर पे लेके जाता हूँ, सभी फ्लोर्स दिखाता हूँ मैं। एंट्री है जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का ग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यह है बास्केटबॉल का ग्राउंड, और वहां पर वॉलीबॉल का है और वहां पे थ्रो बॉल का है, आप देख सकते हैं। चीयर करने के लिए बैठने के लिए जगह है, हमारे कॉलेज के जो सर जो सामने वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, वो के एस हेगड़े डेंटल कॉलेज है, वो भी काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल भी है, आप देख सकते हो। यह है मेरा फ्लोर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे क्लास वाले रहते हैं। सेम है आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ही कुछ है, बाकी मैं टैक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। उस कॉर्नर पे भी जाके आपको मैं दिखाता हूँ। Ice in my veins, I've been driving this train.
years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off. अंत में एक बात बताना चाहता था, जैसे कि अगर ये आप ये कॉलेज में आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में जैसे आप इन फ्रेशर्स हो तो आपको ट्रिपल रूम में ही रहना पड़ेगा, मतलब एक रूम में आपको तीन लोग को ही रखेंगे वो लोग। और जैसा फिर उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जैसे जाते हो, फिर उसके बाद आपको चॉइस है, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आपको सिंगल चाहिए, डबल चाहिए या फिर ट्रिपल में ही रहना आपको पसंद है। तो ये चीज़ें आपको कॉलेज में ऐसा है, फर्स्ट ईयर में आपके पास ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल रूम में ही रहना पड़ेगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप रह सकते हो। बाकी गर्ल्स हॉस्टल में मैंने सुना है कि वहाँ पे बाथरूम अटैच ये सब वगैरह वगैरह है, हमारे में ऐसा नहीं है, बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ का सब डिफरेंट है और वहाँ पर जा नहीं सकता, गर्ल्स हॉस्टल का तो दिखा नहीं सकता बाकी, तो उस वजह से वहाँ का वीडियो तो मिल नहीं पाएगा। बाकी आज का वीडियो इतना ही, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।